गाइस व्हाट्स अप, दिस इज राहुल सैनी एंड यू आर वाचिंग स्टडी मंत्रा विद राहुल। दोस्तों आज के इस लेसन में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑल द बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ मैप, विद द हेल्प ऑफ ऑल यूजफुल ट्रिक्स जिसकी आपको एग्जाम में जरूरत होगी टू रिमेंबर वेयर दे आर लोकेटेड एंड द की फॉन ऑफ दिस बायोस्फीयर्स। बट दोस्तों यहाँ पर हम कोर रीजन, बफर रीजन, व्हाट इज द ट्रांजिशन रीजन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पर आपके कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे बायोस्फीयर के बारे में, मैप पर देखेंगे कहाँ कहाँ ये लोकेटेड है, और अंत में ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे हम इन सारी चीज़ों को कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए और आपको चीज़ें अच्छे से याद रहें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज का हमारा टॉपिक बायोस्फीयर। चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज बायोस्फीयर। दोस्तों बायोस्फीयर बायोडायवर्सिटी का एक बहुत ही बड़ा एरिया होता है वेयर फ्लोरा एंड फौना आर प्रोटेक्टेड, एंड इफ यू लुक एट इन टर्म्स ऑफ मीनिंग इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड, वाटर एंड एटमोसफियर वेयर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंट्रैक्ट। दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बायोस्फीयर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था एक लार्जर पार्ट होता है बायोडाइवर्सिटी का। आप जो ये स्क्रीन पर लार्जर सर्कल देख रहे हैं लेट इट अज्यूम ए बायोस्फीयर, एंड द स्मॉलर सर्कल्स आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द नेशनल पार्क। मैं आपको यहाँ पर समझाना क्या चाहता हूँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों ही बायोस्फीयर के ही पार्ट है, इसी के अंतर्गत ये आते हैं। अगर मैं एरिया की टर्म्स में बात करूँ तो बायोस्फीयर का एरिया बाकी दोनों से बहुत बड़ा होता है, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आखिर में नेशनल पार्क। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम जानते हैं इंडिया में टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं। दोस्तों इंडिया में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स 18 हैं, 18 हैं जिसमें से 10 जो है आपके यूनेस्को मैप मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इन सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इन सभी के की फौना के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व से। दोस्तों जो ये आपके सामने टेबल दिखाई दे रही है इसमें से आपको सब कुछ याद नहीं रखना है, इसमें से आपको सिर्फ मेनली नेम, कहाँ वो लोकेटेड है, स्टेट एंड द की फौना। एंड द फर्स्ट वन इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स। दोस्तों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स कहाँ पे हैं, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका में है। दोस्तों ये मेनली आपके अगर आप मैप में देखोगे तो इस रीजन में जो आपका ये ब्लू रीजन दिखाई दे रहा है ये आपका है नीलगिरी बायोस्फीयर। दोस्तों इसमें आपके जो मेन की फौना है वो कौन कौन से हैं, नीलगिरी ताहर एंड द लायन टेल्ड मकाऊ। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में और वेस्टर्न हिमालय रेंज में ये है। दोस्तों इसके मेन की फौना कौन कौन से हैं, स्नो लेपर्ड एंड ब्लैक बियर। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की। दोस्तों ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। दोस्तों मैंने इसे मैप पर अच्छे से दिखाया हुआ है ये कहाँ पर है, आप इसे देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ का की फौना कौन सा है, डुगुंग और वी कैन से सी काउ। एंड द फिफ्थ वन इज इन मेघालय एंड द नेम ऑफ दैट बायोस्फीयर इज नोक्रिक। दोस्तों नोक्रिक का जो मेन की फौना है वो है आपका रेड पांडा। दोस्तों नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा सुंदरबंस। दोस्तों सुंदरबंस इज ए पार्ट ऑफ डेल्टा ऑफ गंगाज एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड इट इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल एंड द मेन की फौना ऑफ दिस इज रॉयल बंगाल टाइगर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मानस। दोस्तों ये कहाँ पर लोकेटेड है, असम में। दोस्तों और इनके मेन की फौना कौन कौन से हैं, गोल्डन लंगूर है दोस्तों और रेड पांडा। दोस्तों डोंट बी कन्फ्यूज, दोस्तों एक नाम आपका बायोस्फीयर भी हो सकता है, नेशनल पार्क भी हो सकता है और सेंचुरी भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों, जैसे मानस सेंचुरी भी है और बायोस्फीयर भी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे दोस्तों हमारा है नेक्स्ट बायोस्फीयर इज सिंपली पाल। दोस्तों ये कहाँ पर है, ओडिशा में एंड द मेन की फौना इज गौर जो कि आपकी एक लुक लाइक बुफेलो, नेक्स्ट इज रॉयल बंगाल टाइगर एंड एलिफेंट। दोस्तों नेक्स्ट जो है हमारा दिहांग दिबंग। दोस्तों इसे पार्ट ऑफ सियांग एंड दिबंग वैली एंड इट इज़ लोकेटेड एट अरुणाचल प्रदेश, इट्स ए पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय। दोस्तों यहाँ पर की फौना कौन कौन से पाए जाते हैं, मिसामी टकिन जो कि एक भेड़ की तरह दिखती है एंड नेक्स्ट इज मस्क डियर। एंड द नेक्स्ट बायोस्फीयर इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश एंड नेम ऑफ दैट बायोस्फीयर इज पंचमढ़ी। दोस्तों पंचमढ़ी कहाँ पर उपस्थित है, मध्य प्रदेश में। और दोस्तों जो की फौना यहाँ पर पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, जाइंट स्क्वायरल है, फ्लाइंग स्क्वायरल है,
और दोस्तों आपके सामने जो ये मैप पे दिखाई दे रहा है पंचमढ़ी, दोस्तों ये पूरा जो रीजन है आपका, जो कलर्ड रीजन दिखाई दे रहा है, ये पूरा पंचमढ़ी बायोस्फीयर है। दोस्तों अभी आपको ये टेबल थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, बट दोस्तों अभी आप इसे मैप पर अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद आखिर में मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाएंगे और आप इसे फिर कभी नहीं भूलोगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बायोस्फीयर, अचना कमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों ये कहाँ पे हैं? एमपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। दोस्तों इसके की फौना बहुत सारे हैं, आपको ये सब याद नहीं रखने हैं, एग्जाम में इतने एक साथ नहीं पूछे जाएंगे। आपको जो इम्पोर्टेंट याद रखने हैं वे मैं आपको बता दूंगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अचना कमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व मैप पर, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। मैप पे ये जो गोल सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसकी लोकेशन है, जहाँ पे ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रेट रन ऑफ कच्छ। दोस्तों ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन लगभग किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दोस्तों ये कहाँ पे लोकेट है? गुजरात में। दोस्तों ये मैप पे जो लाइट ग्रीन एरिया पूरा दिखाया गया है, ये पूरा क्या है? ग्रेट रन ऑफ कच्छ। और दोस्तों यहाँ का जो की फौना यहाँ पे जो पाया जाता है, मेन जो यहाँ पे स्पीसीज पाई जाती है, वो कौन सी है? इंडियन वाइल्ड एस। दोस्तों इसे भी ध्यान से याद कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर। दोस्तों ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। वैली नेशनल पार्क भी है दोस्तों इसमें। दोस्तों ऐसे काफ़ी बायोस्फीयर मिलेंगे जहाँ पे आपको नेशनल पार्क भी मिलेंगे। दोस्तों हम अलग से एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जिस पे हम अलग से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ बायोस्फीयर डिस्कस करेंगे। दोस्तों कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और इसका जो की फौना है दोस्तों, वो कौन सा है? स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट है दोस्तों कंचनजंगा बायोस्फीयर। दोस्तों ये कहाँ पे है? सिक्किम में। दोस्तों सिक्किम में जो ये मैंने आपको मैप पे दिखाया है, पूरा जो ब्लूइश रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या है? कंचनजंगा बायोस्फीयर। और दोस्तों यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है? स्नो लेपर्ड पाया जाता है, रेड पांडा पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों अगस्थामलाई बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों ये कहाँ पे है? केरला और तमिलनाडु। ये दोस्तों दोनों की बाउंड्री शेयर करता है, जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखाया है। दोस्तों दोनों की बाउंड्री के बीच में जो ये ग्रीनिश पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये क्या है? अगस्थामलाई बायोस्फीयर रिजर्व। और दोस्तों इसके की फौना कौन कौन से हैं? नीलगिरी टहर एंड एलिफेंट। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों ये कहाँ पे लोकेट है? जैसा नाम से ही ऑब्वियस है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। दोस्तों मैंने जो ये मैप पे आपको एरो से दिखाया हुआ है, जो आपको ये पूरा ग्रीनिश पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये आपका पूरा क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों यहाँ पे जो की फौना पाया जाता है, वो क्या है? सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल। नेक्स्ट है दोस्तों आपका डिब्रू सिकोवा बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों ये कहाँ पे है? असम में। और दोस्तों यहाँ के की फौना कौन सा है जो यहाँ पे पाया जाता है? वो है गोल्डन लंगूर। नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों आपका सेसाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और दोस्तों यहाँ का जो की फौना है, वो कौन सा है? सिलेंडर लोरिस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और दोस्तों जो इसके मेन की फौना है जो यहाँ पर पाए जाते हैं, वो है टाइगर, चीतल, चिंकारा, सांबर एंड स्लोथ बियर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम देख लेते हैं वो ऐसे 10 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के कौन से हैं जो यूनेस्को के प्रोग्राम मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इसमें जो सबसे पहला नाम ऐड हुआ है, वो है दोस्तों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों ये कब ऐड हुआ था? 2000 में, इन 2000। दोस्तों इसके बाद मैंने सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाए हुए हैं। दोस्तों इसमें से आपको सिर्फ फर्स्ट और सेकंड की डेट याद रखनी है, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। इसमें दोस्तों जो सेकंड नाम है, वो है दोस्तों गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबंस, नंदा देवी, नुक्रिक, पंचमढ़ी, सिंपलीपाल, ग्रेट निकोबार, अचना कमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व एंड लास्ट है दोस्तों अगस्थामलाई बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों लास्ट जो हमारा ऐड हुआ था, वो अभी 2016 में ऐड हुआ था। दोस्तों आपको सिर्फ इन सभी के नाम याद रखने हैं कि कौन कौन से ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो MAB प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों मैं इसकी आपको अभी एक ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से आपको ये इजीली याद हो जाएंगे। दोस्तों आपको इन 10 बायोस्फीयर रिजर्व्स के नाम याद रखने के लिए सिर्फ आपको एक छोटी सी ये
ट्रिक याद रखनी होगी, एनजीएस पास, सिर्फ इसे याद रखना होगा, या आप इसे सेंटेंस में भी याद रख सकते हैं। अगर आपको नंबर अच्छे लाने हैं जीएस में तो आपको पास होना होगा। दोस्तों आपको ये याद रखना है, चाहे आप इसे जैसे मर्जी याद रखें। दोस्तों मैंने इसमें सभी 10 बायोस्फीयर रिजर्व्स के फर्स्ट लेटर ले रखे हैं, जैसे एन से आपके टोटल 4 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं आउट ऑफ 18, जो कि सभी यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों एन, सिर्फ आपको एन से तो यही याद रखना है कि एन से जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स के नाम हैं वो सभी मैप प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। वो चार कौन कौन से दोस्तों? फर्स्ट है नीलगिरी, नंदा देवी, नोक्रिक एंड निकोबार। नेक्स्ट है दोस्तों जीएस स्टैंड फॉर, जी स्टैंड फॉर दोस्तों गल्फ ऑफ मन्नार, एंड एस स्टैंड फॉर सुंदरवंस। दोस्तों जी से आपका ग्रेट रन ऑफ कच्छ भी होता है, बट यहाँ पे वो मैप प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं आता, यहाँ से जी स्टैंड फॉर गल्फ ऑफ मन्नार। नेक्स्ट वर्ड जो आपको याद रखना है दोस्तों वो है पास, PAAS। हेयर पी स्टैंड फॉर पंचमढ़ी, ए स्टैंड फॉर अचना कमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, नेक्स्ट ए स्टैंड फॉर अगस्था मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स में से दो ही ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो ऐसे शुरू होते हैं और दोनों ही मैप प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एस, हेयर एस स्टैंड फॉर सिंपली पाल बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमने टोटल अभी तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स पढ़े हैं उन्हें कैसे याद रखेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम उन बायोस्फीयर्स को देख लेते हैं जिसे हम आसानी से याद रख सकते हैं। दोस्तों जैसे फर्स्ट बायोस्फीयर हमारा कोल्ड डेजर्ट। दोस्तों कोल्ड मीन्स हिम, दोस्तों हिम एक हिंदी का वर्ड है जिसका मतलब होता है कोल्ड, और दोस्तों हिम से हम हिमाचल आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नंदा देवी। दोस्तों यहाँ से हम देवी से उत्तराखंड याद रख सकते हैं क्योंकि उत्तराखंड में बहुत से देवी देवताओं के प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट है दोस्तों कंचनजंगा। दोस्तों इसे भी हम आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि कंचनजंगा एक पीक है, चोटी है, जो कि कहाँ पे है, सिक्किम में। नेक्स्ट है दोस्तों जिसे हम आसानी से याद रख सकते हैं द ग्रेट रन ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में है। दोस्तों ये वैसे ही बहुत फेमस है, इसको आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही पता होगा कहाँ पे है ये, गुजरात में। नेक्स्ट है दोस्तों नीलगिरी। दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ सभी को पता है केरला और तमिलनाडु में फैली हुई है, तो दोस्तों नीलगिरी बायोस्फीयर भी कहाँ होगा, केरला और तमिलनाडु में। एंड द लास्ट इज ग्रेट निकोबार। दोस्तों जैसे कि इसके नाम से ही ऑब्वियस है ये कहाँ पे हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। नेक्स्ट दोस्तों आप पन्ना और पंचमढ़ी को भी आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि पन्ना वहाँ पर बहुत पाया जाता है और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का एक फेमस पैलेस है। नेक्स्ट है दोस्तों सुंदरवन, सारी दुनिया को पता है सुंदरवन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। दोस्तों अब हम देख लेते हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व जिससे हमने नहीं याद किया है। दोस्तों वो कौन कौन से हैं, देहांग दिबंग जो कि कहाँ पे हैं, अरुणाचल प्रदेश में, इसे आपको याद रखना होगा। फिफ्थ पे है दोस्तों मानस असम, इसे भी आपको याद रखना होगा, मानस सेंचुरी भी है और बायोस्फीयर है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। नेक्स्ट है दोस्तों आपका डिब्रू सिकोवा, दोस्तों ये कहाँ पे है, असम में। नेक्स्ट है दोस्तों नोक्रिक मेघालय, दोस्तों इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, नौकरी करने मैं मेघालय गया, नौकरी कहाँ पे है दोस्तों, मेघालय में। नेक्स्ट है दोस्तों जो आपका रह गया है वो है दोस्तों आपका 12th नंबर पे सिंपली पाल उड़ीसा, एंड 13th नंबर पे सुंदरवन वेस्ट बंगाल। दोस्तों आप इन दोनों को एक साथ इस सेंटेंस के माध्यम से भी याद रख सकते हो, सिंपल सी ओढ़नी पहन के एक सुंदर लड़की वेस्ट बंगाल गई, सिंपल सी ओढ़नी। सिंपली पाल कहाँ पे है दोस्तों, उड़ीसा में। सुंदर सी लड़की सुंदरवन कहाँ पे है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट जो दोस्तों हमारा रह गया वो रह गया दोस्तों शेषाचलम कहाँ पे हैं, आंध्र प्रदेश में, अगस्था मलाई कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला में। इसके अलावा दोस्तों गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है दोस्तों, तमिलनाडु में। दोस्तों लगभग हमने सभी यहाँ पे कवर कर लिए हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, मैंने इसमें बायोस्फीयर को अच्छे से डिस्कस किया है और सभी 18 बायोस्फीयर्स को याद करने में आपके लिए जो ट्रिक बनाई है होप आपके लिए वो मददगार साबित होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज इट विल हेल्प समबडी। दोस्तों जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद जय भारत।